स्वागत है एक और धसोर धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप रील अपलोड करते हैं जिसमें आपके 100, 200, 500, 1000 व्यूज आके रुक जाते हैं, तो मेरे दोस्त आज मैं आपको एक सही तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप सही तरीके से अपलोड करेंगे अपनी रील को तो आपके बहुत अच्छा खासा व्यूज आने वाले हैं। वायरल होने का मतलब ये नहीं होता कि 100, 200, 1000 व्यूज आ जाए कि इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे व्यूज आ गए। नहीं मेरे दोस्त, वायरल होने का मतलब होता है मिलियन में व्यूज। तो आपको वो कैसे लाने हैं उसको मैं आज सही तरीके से बताने वाला हूँ। उसका सबसे बड़ा राज अपलोड करने में छुपा होता है, तो आपको उसके लिए अपने इंस्टाग्राम पे कुछ मेन सेटिंग्स करनी होती है जिससे आपकी अगर पिक्चर क्वालिटी कम भी होती है, क्योंकि आप शूट करते हैं तो उस टाइम कुछ अपलोड क्वालिटी कुछ और होती है, और जब आप अपलोड करने जाते हैं ना तो उस टाइम अपलोड क्वालिटी कुछ और होती है, तो आपके इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जो कि आपको पता ही नहीं है और आप सही तरीके से करते ही नहीं, जिससे आपके वीडियो अपलोड होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपकी वीडियो वायरल जा नहीं रही। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सही तरीके से समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे अभी मेरे फोन की स्क्रीन देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको अपने इंस्टाग्राम को देखना होगा कि यह अपडेटेड है या नहीं है। वो देखने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्टाग्राम, अगर आपका अपडेट होगा तो आपको ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए इंस्टाग्राम, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि अगर अपडेट के लिए आ रखा होगा तो अपडेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं जिसमें इसमें भी बहुत सारे फंक्शन चेंज हो गए, तो आपको वो सही तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मैं ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक मैंने आपको फर्जी आईडी बना रखी है जिसको आपको सही तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी मेन सेटिंग्स कर रखी है बट आप उससे लैग कर रहे हो। अब ये देखिए यहाँ पे थ्री लाइंस पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ना सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, जिसमें आपको थोड़ा सा नीचे आके दिखेगा अकाउंट प्राइवेसी। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये अकाउंट प्राइवेसी। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, अगर 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 आपके यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक होगा तो मेरे दोस्त आप ना बिल्कुल भी अपने चैनल को वायरल नहीं कर पाओगे, अपने पेज को बिल्कुल भी वायरल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो वीडियो डालोगे वो सिर्फ आप तक ही होके रह जाएगी, वो लोगों के पास जा ही नहीं पाएगी। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको सबसे पहले आपको पब्लिक में रखना पड़ेगा, जिससे सारी पब्लिक जो भी आपके पेज पे विजिट करती है वो सही तरीके से आपकी रील देख सकती है और आपकी रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में सही तरीके से जाएगी। अभी आपको बिल्कुल भी ब्लू नहीं करना है यहाँ पे। अब बैक आते हैं। अब इसके बाद आपको करना है इसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट, जिससे आपके पेज को सही तरीके से रीच भी मिलेगी। आपको उसके लिए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे अकाउंट टाइप एंड टूल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसमें आपको करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसमें कंटिन्यू 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 आप ये कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये सबसे मेन बात है, आप ध्यान रखिए, ये सबसे मेन बात है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक क्रिएटर हैं, आप ये क्या है आपको बताना पड़ेगा, सही तरीके से इसको बताना पड़ेगा। अब देखिए हम एक क्रिएटर है तो यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर का एक ऑप्शन दे रखा है, या फिर हम कोई अपनी रील ओनली रील अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एडिटर के ऑप्शन पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं अब इसमें एक डिजिटल क्रिएटर फाइनल कर देता हूँ। आप इसको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपकी प्रोफाइल में एक डिजिटल क्रिएटर दिख जाए, लोग कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको सही तरीके से दिख जाए। आप इसमें कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं वो भी आप सही तरीके से इसको बता सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्रिएटर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे कुछ और पूछेगा, ओके इसको भी कर दूंगा, सारी चीजों को मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे से कुछ सेटिंग्स पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मेरे को करनी पड़ेंगी, ये जो 6 प्रोसीजर है ना ये मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे मेरे को अपना नाम वगैरह सब चीजें डालनी पड़ेंगी। बायो में हेलो आई एम सुमित पटेल, आई एम सुमित ऐसे लिख देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ मैं जल्दी से, कोई सी भी जो कि मेरी यहाँ पे सबसे पहले दिख जाए। अब मेरे पास ये फोटो आ रखी है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, एक बाहुबली की जो भी फोटो है मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम में भी मैं सुमित पटेल डाल देता हूँ, जिससे सही तरीके से पहला प्रोसीजर तो मेरा हो जाए। अब मैंने अपना नाम डाल दिया सही तरीके से, अब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे पहला हुआ तो ये खुश हो गया। अब गेट इंस्पायर्ड पे क्लिक करना है
और यहाँ पे इनमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको इंस्पायर करेंगे। हमें किसी को नहीं करना, हम सीधा इस पे क्लिक कर देते हैं। दूसरा भी हो गया। अब ये और ऑडियंस हम किसको भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी को चैनल को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और किसी भी अपने क्रिएटर को, मतलब किसी भी भाई को, फैमिली मेंबर को दिखा सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट लिंक पे भेज क्लिक करके यहाँ पे आप किसी को भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू आप भेजना चाहें। मैं ये नहीं करना चाहता, मैंने सीधा क्लिक कर दिया। अब ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हम यहाँ पे एक पोस्ट डालते हैं जिससे हम यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए। इसको डाला, ये डाला और सीधा यहाँ पे शेयर कर दिया, सीधा शेयर कर दिया, तो जिससे यहाँ पे सब चीजें आ गई है। अब यहाँ पे वापसी आओ। अब ये हमसे और भी चीजें पूछेगा जो कि यहाँ पे अभी तीन चीजें हो गई हैं, अभी तीन चीजें और रह रही हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको जो जो बताएगा आप सही तरीके से वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वापस सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आना है। सबसे मेन बात जो स्किप कर रहे थे ना मेरे भाई, अब ये सही तरीके से देख लो आपकी जो हाई क्वालिटी में वीडियो कैसे अपलोड करनी है, मैं बताने वाला हूँ आपको। ये सही तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि आप रील बना तो लेते हो बट उसको अपलोड करते हो ना तो आपका पिक्सल फट जाता है, या फिर आप किसी भी क्रिएटर हो, किसी भी चीजें से शूट कर रहे होते हो तो आपकी उसमें दिक्कत आ जाती है, ब्लर इफेक्ट आ जाता है। बट आपको हाई क्वालिटी में अपलोड करना है, चाहे आप वाईफाई से अपलोड कर रहे हो या फिर आपने नेट से अपलोड कर रहे हो, तो आपको हाई क्वालिटी में अपलोड करना है। वो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। ये देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आ गए, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना जैसी, तो यहाँ पे हमें डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं सही तरीके से मैंने ये कर दिया है। अब जैसी मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है आप डाटा सेवर में जाना चाहते हैं, मतलब कि आपने डाटा कंज्यूम करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा रील स्क्रॉल करते हो, आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं, हमें नहीं करना, हमें अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी पे क्लिक करना है, जिससे जो भी आपकी कंटेंट होगी ना वो बिल्कुल अच्छा खासा, जो भी जिसमें आपने उसको शूट किया होगा उसी फ्रेम में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी बिल्कुल भी कटिंग फटिंग कुछ नहीं होने वाली और सही तरीके से आपकी वीडियो अपलोड होने वाली है। इसको आपको क्लिक कर देना होगा जिससे यहाँ पे सही तरीके से अपलोड होगी। अब ये आपने देख लिया, अब वापस इसको आइए और ये जो चीजें और बोल रही है ना इसको भी पूरा कर देते हैं जिससे सही तरीके से और चैनल में कोई दिक्कत ना आए। अब ये मैंने इस पे क्लिक किया, अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे हमने तो कर दिया था, एक और पोस्ट डाल देते हैं। अब इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इस पे वापस क्लिक किया, अभी ये जो बोलेगी ना यहाँ पे हमें वो भी कर देना है। एडवांस सेटिंग में भी जाके अगर आप चाहते हैं ये मेरी रील बाद में पोस्ट हो तो भी आप कर सकते हैं। ये आपको सही तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे प्रोसीजर के साथ करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। शेड्यूल दिस पोस्ट, हम कहीं और टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं कि मेरी रील आज शूट हुई है, मेरे को डालना परसों है या नर्सों है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप YouTube पे अपनी वीडियो पोस्ट करके शेड्यूल करके रख देते थे ना, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो सही तरीके से आएगी। अब मैं इसमें शेड्यूल कर दिया, अब मेरा टाइम फिक्स हो गया, ये इतने बजे अपने आप शेड्यूल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ अपना लिख देता हूँ, हाय ये वो ये ओहो, ऐसे ही मैं पूरा प्रोसीजर सही तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये भी सही तरीके से हो गया, अब हमें इसके बाद वापस आना है। अब ये हो जाएगा, अब एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट, जैसी मेरे सही तरीके से हो जाएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनसाइट, अगर आपको देखने अपने चैनल की तो भी आप देख सकते हैं, नहीं देखनी तो मत देखिए, आपको सीधे क्लिक के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये देख लिया, टेल अस योर गोल्स, आपके गोल क्या है बताओगे ना तो आपके पेज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, आप ये कर सकते हैं। आप देखिए आपको गोल क्या है, हमें बहुत अच्छी रीच चाहिए, अपने दो गोल बता दो इनको सही तरीके से, हमें रीच चाहिए और अच्छे खासे हमें कॉल्स आए वो चाहिए, हम यहाँ पे अपना कर दिया। अब हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, हम किससे अपने कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीपल से, मैसेज के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू, मैसेज और कमेंट्स हमने कर दिया। ये देखो वो भी प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे हमने दो बार तो अपलोड कर दी थी, एक और वीडियो अपलोड कर, एक और फोटो अपलोड कर दोगे ना जिससे सही तरीके का उसका प्रोसीजर हो जाएगा। अब इस पे एक और कर देते हैं, ये हमने पोस्ट एक और कर दी जिससे सही तरीके से आ गया। अब यहाँ पे कुछ और गाना वाना लगाना चाहे या फिर आपके कोई दिक्कत विक्कत हो यहाँ पे आप सही तरीके से चेक कर सकते हैं। किसी और जगह अपलोड करनी हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी कोई और आईडिया होगी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो आईडिया, फैक्स इम्प्रेस और सुमित पटेल 2001,
तो उस पे जाके आप सही तरीके से देख सकते हैं, उसमें भी आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं शेयर ऑन फेसबुक, फेसबुक पे भी आप यहीं से शेयर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं लगेगी, आप यहीं से सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, सीधा शेयर के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैं सीधा शेयर के बटन पे क्लिक कर दिया, अब ऑलमोस्ट मेरा सारा प्रोसीजर हो गया है, जिसमें मेरे को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मेरी यहाँ पे सारी पोस्ट आ जाएंगी, जिसके बाद मेरा ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, और अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा हाईएस्ट क्वालिटी में, जिससे मैं इसको बंद करता हूँ, जिससे मेरी वीडियो 110% वायरल होगी। आप ऐसे अपनी रील अपलोड कर सकते हैं, जो कि 2023 में सबसे सही तरीका है अपनी रील अपलोड करने का। उससे पहले आपको देखना होगा कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है कि नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत से भाइयों का इंस्टाग्राम अपडेट ही नहीं है, जिससे जो नए नए अपडेट्स आ रखे, नई नई तरीके आ रखे, उनके पास नहीं आए हैं। तो आप ये चीजों को ध्यान रखते हुए अपने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करिएगा। अगर आप ये नहीं देखते तो मेरे दोस्त आपके वही 100-200 व्यूज आके रह जाएंगे। आपको ये सही तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट तुम्हारा भाई इस चैनल पे लाता रहता है। चलिए मेरे दोस्त, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।